अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने आज का व्लॉग। अच्छा व्लॉग आज हम देर से स्टार्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि आज हम उठे भी बहुत देर से। अच्छा मैं आप लोगों को जो है टाइम दिखाती हूँ कि आज बहुत लेट हो गए। सहरी के बाद जो है सब सो गए थे तो काफ़ी लेट उठे। ये देखें 11:30 का टाइम हो रहा है और धूप देखें कैसी हो रही है। ये देखें कितनी तेज़ धूप हो रही है। आज काफ़ी देर हो गई हमें उठने में। बस यहाँ मैंने निकाल दिए हस्बैंड के कपड़े, अब इनको इस्तरी करती हूँ। निकाल लिए मैंने, इनको इस्तरी करती हूँ अभी और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं घर का। अच्छा बिस्तर वगैरह तो मैंने उठा लिए सब, और किचन भी जो है मैंने सहरी में ही साफ़ कर लिया था। किचन तो मैंने यहाँ सारा साफ़ कर लिया था सहरी में, बर्तन भी धो लिए थे। बस ये हो गया सारा काम, बस सब घर की रह गई सफ़ाई। तो अब सफ़ाई करती हूँ थोड़ी देर से, पहले कपड़े इस्तरी कर दूँ फिर सफ़ाई करूँगी। क्योंकि रात को जो है हम लोगों ने माल बनाया, तो माल बनाते बनाते बहुत देर हो गई थी, काफ़ी लेट हो गए थे। तकरीबन 2 बज गए थे हम लोगों को माल बनाते बनाते। तो फिर सहरी वगैरह की बस नींद आने लगी, नमाज़ पढ़ी तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी सबको, वो सब सो गए तो इसलिए आज देर से उठे। अच्छा सुबह भी हम लोगों की आँख जब खुली, जब माल वाले आए तो उन्होंने कॉल की कि क्या नाम है माल दे दें आप। तो जब सब उठे जल्दी जल्दी, फिर मैंने कहा बहुत टाइम हो गया आज, वरना इतना लेट नहीं उठते, आज तो बहुत देर हो गई। बस तो भाई मैं इनमें पौधों में पानी डालती हूँ, ये सब सूखे में इनमें पानी डालती हूँ। फिर अपने जो है चिड़ियों का दाना वगैरह देखती हूँ। आज सुबह बस देखा नहीं दाना, क्योंकि सो गए थे, नींद बहुत आ रही थी, फिर पूरी रात हो गई थी जागते हुए। 2 तो वैसे ही बज गए थे काम करते करते, क्योंकि सुबह उनको माल देना था तो इसलिए। बस हमने कहा जल्दी जल्दी बना लें, और आयशा को सबसे ज़्यादा कपड़ों की टेंशन है, तो मैंने कहा उसको कपड़ों की टेंशन है तो वो भी रात को जो है ना मेरे साथ ही लगी रही काम में कि मम्मा माल जल्दी जल्दी बना लें, फिर और माल लेंगे तो मेरे एक एक कपड़ों के पैसे जमा हो जाएंगे इसलिए। अच्छा यहाँ मैंने लगा लिया झाड़ू, पोछा मैंने अभी लगाया नहीं है, पोछा मैं अभी लगाऊंगी। पहले पौधों में पानी डाल देती हूँ, वैसे तो आयशा ही सफाई करती है रोज़, लेकिन मैंने जो है ना आज उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि बच्ची जो है मेरे साथ रात को 2 बजे तक जागती रही है, सारा काम उन्होंने करवाया है, तो मैंने इसलिए फिर ना आज मना कर दिया। मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं जो है ना खुद कर लूँगी सारा काम, वरना मेरे उठने से पहले ही जो है ना वो सफाई कर लेती हैं पूरे घर की। बस आज मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं आप रहने दो। अभी मैंने पकाने के लिए मंगाई भिंडी, और ये भिंडी देखें ज़रा कितनी सी हो गई काटने के बाद। ये मैंने 3 पाव मंगाई थी भिंडी, ये 3 पाव मंगाई है, इसमें आधे से ज़्यादा देखें ख़राब निकल गई। ये जितनी भी है सब पक्की है, और एक दी भी इतनी महंगी सब्ज़ी वाले ने, ये इतनी पक्की है, बहुत ज़्यादा पक्की भिंडी है ये, ये आधे से ज़्यादा तो जो है इसमें ख़राब निकल गई, सारी पक्की हुई है। बस ये थोड़ी सी मैंने कहा चलें इसी को बना लेते हैं, रोज़े के लिए तो हो ही जाएगी तैयार। चलो फिर ये भिंडी बनाती हूँ मैं अभी। ये मेरी भिंडी का सालन बन के तैयार हो गया है, देखिए। बस अभी ये जो है रोज़े टाइम हो जाएगा तो फिर सब खाना खाएंगे। ये बताएं आपके साथ रात को क्या हो गया था सीन? बंदे मेरे पास आए, प्रधान एक छोटे घर का बोनस सा बंदा था, एग्री मार्केट में फेरी लेके खड़ा हुआ था कपड़े हैं, तो ये है वो आपको मजदूरी बताया बंदा 5,000 जो है ना मैं ये दूंगा। तो मैंने बोला यार इतने तो नहीं है मेरे पास, मेरे पास तो ये 2,000 रुपये बीच ही है, अगर ये 2,000 रुपये का दे रहे तो दे दो तुम, वरना तुम्हारी मर्जी है। मैंने देखे कपड़े अंदर से बंडल बंधे हुए थे छूट गए, मैंने बोला चलो फ्री की थी अगर 2 पीस तो होंगे चलो कोई बात नहीं, 2,000 में अंदर मरी किसी भर देंगे। लेकिन वो यहाँ घर पे लेके आए तो देखा तो ये इसके अंदर थैली के अंदर पूरी सूट जैसे 3 पीस सूट होते हैं 2 पीस सूट होते हैं ऊपर के अंदर वाइट में चमक रहे थे। मैंने बोला सही होंगे, मैं घर पे लेके आके खोला, मैंने अपनी वाइफ को बताया, बोला ये सूट ले गया देखो। जब वाइफ ने खोला तो उसके अंदर जो ना पुराने बच्चों के 12 साल की बच्ची के सूट जो है ना उसके अंदर फटे हुए, तो ये फराड़ है एग्री मार्केट के अंदर, ये
पड़े हों, क्योंकि वो जो सोने तक का जो आदमी है वो जो ना ऐसा नजर बंद कर रहा है कि जो ना आदमी जो ना सुन हो जाता। हालांकि मैं दो तीन दफा उसके पास से हटा आगे पीछे हुआ हूँ, लेकिन वो पास मेरे पास फिर आ जाता था, मेरे पास फिर आ जाता। तो वहाँ और भी लोगों ने लिए क्या? हाँ, और भी लोगों ने लिए। फिर वहाँ के रक्षे वाले जो थे वो बता रहे थे कि जो ना यार ये तो सुबह भी आए थे मेरे पास और ये फरार कर रहे हैं, और मैंने तो अच्छा हुआ नहीं लिया, लेकिन ये है कि तुम फंस गए, क्या करें। वो जैसे ही निकले बस मैंने एक फूल निकाल के देखा, वही चले गए वहाँ से। तो और भी लोग ने जितने और भी लोग जितने हैं उन्होंने उनको भी जाहिर सी बात है यही फ्रॉड हुआ होगा उनके साथ। बता रहे ना मेरे को हमने भी देखा है तो वो मिले ही नहीं दोबारा, वो बोलते यही घूमते आगे पीछे लेकिन वो मिले ही नहीं, मैंने बहुत बुरा। चले अच्छा, आपने मैसेज दे दिया ना सबको। ये नहीं है मतलब उनसे, ये जो मैं वो बता रहा हूँ तीन लड़के हैं और एक छोटे कक्का है, यानी ये तीनों एक बड़ी उम्र का है लेकिन उसका कद बहुत छोटा है। तो वहाँ पे अभी आप बता रहे थे पुलिस ने एक्शन लिया है ना इस चीज़ का, क्योंकि बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया उन्होंने। अच्छा है ना, लोगों को पता चल गया।